कश्मीर हमारा टूटा अंग है। किसने कहा है? हमने पाकिस्तानी कहते हैं, वो हमारा हिस्सा है। किस हक से कहते हैं? वो हमारे मुसलमान भाई हैं, इसलिए मुसलमान भाई तो पूरी दुनिया में है, वो सारा पाकिस्तान का हिस्सा है। वो सारा पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है, जो हमारे साथ लगा हुआ है, हमारे बॉर्डर के साथ लकीर है, हमारा वो हिस्सा है। कश्मीर कहते हैं हम पाकिस्तान का हिस्सा है। सफारती तरीके से हम उनकी मदद कर रहे हैं। किनकी मदद कर रहे हैं? कश्मीरियों की। कश्मीर हमारा टूटा अंग है। किसने कहा है? हमने पाकिस्तानी कहते हैं, वो हमारा हिस्सा है। किस हक से कहते हैं? वो हमारे मुसलमान भाई हैं, इसलिए मुसलमान भाई तो पूरी दुनिया में है, वो सारा पाकिस्तान का हिस्सा है। वो सारा पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है, जो हमारे साथ लगा हुआ है, हमारे बॉर्डर के साथ लकीर है, हमारा वो हिस्सा है। कश्मीर कहते हैं हम पाकिस्तान का हिस्सा है। कश्मीर वाले भी कहते हैं वो हम पाकिस्तानी हैं और पाकिस्तानी बनेंगे। अच्छा, कब कहते हैं? वो तो भारत का झंडा लहरा रहे हैं वहाँ। भारत का झंडा नहीं लहरा रहे, पाकिस्तान के झंडे लहराते हैं और जालबान। वो पाकिस्तान में ऐसा क्या देख रहे हैं जो हमारे झंडे लहराएंगे? उनको ऐसा क्या दिख रहा है यहाँ पर, ये बताए? पाकिस्तान में मुसलमान हैं, उनके भाई हैं, वो उनकी सफारती और हर तरह से हम मदद करते हैं, वो करेंगे। मदद की है अभी तक? हमने बहुत मदद की है उनकी, जो जलजले में भी उनकी मदद की है कश्मीरी भाइयों की। कोई मदद नहीं की सर, कुछ भी नहीं गया यहाँ से, और वैसे भी उनको हमारी मदद की जरूरत नहीं है, वो ऑलरेडी बहुत स्टेबल है। अगर आप बात करते हैं मुसलमान की, हम मुसलमान कंट्री है, तो फिर अगर मुसलमानों को ही देखना है तो कश्मीर तो फिर सऊदीया को चाहेगा, क्योंकि वहाँ पर मक्का मदीना भी है। पाकिस्तान में उनको ऐसा क्या दिख रहा है? पाकिस्तान तो आज़ादी से घूमेंगे, पाकिस्तान में हाथ पढ़ेंगे, अल्लाह को याद करेंगे, सारे काम करेंगे। उधर तो उनके साथ जुल्म हो रहा है, उनको गाय भी नहीं ज़बह करने देते, उनको गोश्त नहीं खाने देते, उनके साथ सारे जुल्म होते हैं। वो सब कुछ ही कर रहे हैं। वहाँ पर मस्जिदें हैं, लाउड स्पीकर्स भी हैं, बड़े बड़े स्पीकर्स भी लगे हुए हैं, अजाने भी हैं वहाँ पर। हमें किसने कहा है कि वहाँ पर वो नमाज नहीं पढ़ते? वो शोपकार करते हैं सारा कुछ, उनको आज़ादी नहीं है। आपको आज़ादी है? हमें आज़ादी है, हर तरह की आज़ादी है। हम नमाज पढ़ते हैं, रोज़ा रखते हैं, गाय का ज़बह करते हैं, हर काम करते हैं। कोई ऐसा काम नहीं है जो हम नहीं कर सकते। नॉन मुस्लिम कंट्री में जाएंगे, बाहर जाएंगे, आप उनके मजहब के खिलाफ कोई बात करेंगे या कुछ भी करेंगे, आपको वो जिंदा वापस आने देंगे? तो मजहब के खिलाफ तो बात करनी नहीं चाहिए ना, हमें अपने अपने मजहब है, हमारा मजहब है, हम अपने मजहब की तोहिन तो नहीं करना चाहते। नहीं नहीं, अपने मजहब की तोहिन नहीं करनी। मैंने कब बोला है? करता ना। देखिए ना, अब आपने गाय की बात की है, आपको पता है कि वो गाय को क्या समझते, लेकिन ऐसा नहीं है, वहाँ पर कुर्बानी होती है, होती है वहाँ पर। कुर्बानी तो होती है, लेकिन वो छुप के करते हैं ना, उनको आजादा ना करनी चाहिए। मुसलमान है, उनका राइट है, उनका उनको राइट करना चाहिए। सारे राइट्स उनको वहाँ पर हासिल है, आप एक कुर्बानी को इशू ना बनाए, वहाँ पर सारे राइट्स हासिल है। बीफ एक्सपोर्टर बन गए हैं। उनको जो गुंडागर्दी करते हैं, उनको मारते हैं, पीटते हैं मुसलमानों को। यहाँ मस्जिदों में बम ब्लास्ट नहीं होते? बम ब्लास्ट होते तो ये उनकी तंजीमें है ना, उनके तंजीमें नहीं है यहाँ, उनकी तंजीमें ने आके ये बम ब्लास्ट किए, मुसलमानों ने किए, तो नहीं। कश्मीर के लिए बाद में आवाज उठाएगा, पहले जाके फलस्तीन के अंदर जा, इसराइल के अंदर जाकर जहाद करके आए। जहाद हर एक बंदे का फर्ज़ है, आप भी जहाद करें ना। बड़ा हम करती, मैं जहाद करूं? आप भी जहाद करो ना, आप भी जहाद है, आपका भी जहाद फर्ज है। कैसे करूं जहाद? बंदे के ऊपर जहाद फर्ज है। कैसे करूं जहाद? मुंह के साथ जहाद करो, अगर हाथ के साथ जहाद। सच बोलना भी जहाद है, मैं सच बोल रही हूं खड़ी होकर। अभी क्या सच बोल रही हैं आप? मैंने कोई झूठ बोला तो आप बता दें। सच इसका ये मतलब है कि आप जो ना उसकी मदद करें, तो लोगों का ज़हन बनाएं। किनकी मदद करूं? किनकी? वालों की मदद करें, इसराइल वालों की बात करें। ओ भाई, मेरा टॉपिक ही कश्मीर था, आप कह रहे इसराइल फलस्तीन, आपने कश्मीर पे बात की। अगर आपको मुसलमानों के लिए इतना जज्बा तो जाए फिर फलस्तीन के अंदर, कश्मीर पे बाद में बात कर लेंगे। हर बंदा जाता नहीं है, उसके तरीका कार होता है जाने का, जहाद करने का भी एक तरीका कार है। हर बंदे को एक हक हासिल नहीं है कि वो उठ के चला जाए, हर बंदे को तरीकाकार से जाना पड़ता है। जो तरीका है एक मुस्लिम नॉन मुस्लिम का, मुस्लिम का हमारे मुल्क का एक तरीकाकार है। हमने किस तरीका जाना है? इस तरह तो नहीं जाना, तरीके से जाते हैं। तरीके से जाते हैं? अभी तक गए नहीं, चला जाए तरीके से, गए नहीं जाके मर जाए, मरना को तरीका है? तरीके से गए नहीं, जहाद हो गया होता है कि उसके ऊपर जो ना आप काबज हो जाए बंदे के ऊपर, ये नहीं हो जाए। इस तरह जहाद नहीं होता है कि जो ना आप जो ना उसके जाके मर जाए। मरने का मैंने मरने का नहीं कहा। हाँ, मैंने कहा हुए नहीं काबिज, फिर आप होंगे क्यों नहीं होंगे ना? कब होंगे? कब होंगे? मुसलमान जाएंगे तो उनकी मदद करेंगे। ये जो हमारी सोच है, सऊदीया कहता है कि हमारे भारत के साथ ताल्लुकात अच्छे होने चाहिए, वो आगे बढ़ रहा है। दुबई कहता है हमारे भारत के साथ ताल्लुकात अच्छे होने चाहिए, वो आगे बढ़ रहा है। हम क्यों नहीं, हम एक ही चीज में तुले हुए, हम क्यों नहीं जो है उनके पॉजिटिव पॉइंट्स देखते कि वो डेवलपमेंट कितनी कर रहा है? कौन डेवलपमेंट कर रहा है? भारत। भारत कर रहा है, इसराइल पे बात नहीं कर रही। भारत वो पॉजिटिव कर रहा है, तो वो उनका अपना मुल्क है ना, वो अपना कश्मीर के अंदर बात कर रही। कश्मीर के अंदर उनका वो अपने मुल्क के अंदर रह कर अपना काम कर रहे हैं ना, तो उधर जो अंदर जहाद फलस्तीन जो तंजीमें हैं वो भी काम कर रही हैं। एक बात बताएगा, हम कश्मीर पे बड़ी आवाज उठाते हैं, आजाद कश्मीर में कितनी डेवलपमेंट है, आजाद कश्मीर में भी तो मुसलमान बसते हैं ना, मुसलमान बसते हैं ना, उनके लिए क्या किया? उनको तो गैस नहीं मिलती, उनके पास तो गैस का नामो निशानी है, वो लकड़ियाँ जलाते हैं आज भी। थैंक यू फॉर बीइंग हियर, बहुत बहुत धन्यवाद।